ओम नमः शिवाय। शिव सबके सहाय। आज आपको बताएंगे केवल नाभि पर इत्र लगाकर, जी हाँ केवल नाभि पर इत्र लगाकर कैसे अपने शुक्र को अति बलशाली अति मजबूत कर सकते हैं और किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। ये एक चीज़ से दो काम होते हैं। कोई भी इत्र आप अपनी नाभि पर लगा सकते हैं। लगाना किस तरह से है उस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। अलग अलग इत्र अलग अलग काम आते हैं। यदि आप चंदन का लगाते हैं तो उससे अलग प्रभाव पड़ता है, और आप गुलाब का लगाते हैं तो उससे अलग प्रभाव पड़ता है। लेकिन लगाने का तरीका सबसे महत्वपूर्ण है, आप किस तरह से कौन सा इत्र लगाते हैं। चलिए याद रखिएगा, मैं वशीकरण के बिल्कुल खिलाफ़ हूँ, ये कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता, तो उसके लिए उस स्थिति के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और भिन्न भिन्न इत्र होते हैं भिन्न भिन्न कार्य को सिद्ध करने के लिए। हर इत्र का अपना एक प्रत्येक कार्य होता है जो वह पूरा करता है। यदि आप कमल का इत्र लगाते हैं तो उससे अलग प्रभाव पड़ेगा, यदि आप गुलाब का लगाएंगे तो उससे अलग प्रभाव पड़ेगा। सबसे अच्छा कौन सा इत्र है वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो पूरी देखते रहिए ताकि सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि जब तक अति महत्वपूर्ण हो तभी ये करें, अथवा इस प्रयोग को इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। नाभि पे आपको इस तरह से इत्र लगाना शुरू करना है, बाहर की तरफ से लगाना है, और बाहर की तरफ से सर्कल की फॉर्म में करते हुए आपको धीरे धीरे अंदर की तरफ जाना है और आपको बीच में लगा देना है। ये प्रक्रिया आपको केवल दिन में एक बार करनी है, नाभि से बाहर से शुरू करते हुए इस प्रकार से, और धीरे धीरे इसको आपको नाभि के जो सेंटर का भाग है उसमें ले जाना है। सिर्फ इतना ही करना है, और इसको करते हुए आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं जो आपको कंठस्थ हो। ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। यदि इत्र असली होगा और प्रभावशाली होगा तो आपके लिए बहुत जल्दी प्रयोग असर दिखाएगा। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। बाहर से शुरू करते हुए और धीरे 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 आपको यह नाभि के अंदर ले जाना है। इस तरह से बाहर से शुरू किया और इसको राउंड करते हुए नाभि के बीच में लगा दीजिए। इस कितने राउंड लगाने हैं ये कितने भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई गिनने की संख्या नहीं है। और इसको जिस प्रकार से राउंड लगे हैं ऐसे ही होने चाहिए, उल्टा नहीं घुमाना आपको। अलग अलग इत्र अलग अलग प्रयोग में आते हैं। यदि आप प्रेम प्रसंग में जाना चाहते हैं, किसी के साथ किसी को पाना चाहते हैं, तो सबसे उत्तम होता है चंदन का इत्र। चंदन का इत्र लगाएंगे तो आपके प्रेम प्रसंग बहुत जल्दी और बहुत अच्छे हो जाएंगे। चंदन मानो जादू करता है एक प्रकार से, और जैसा कि आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के जो इत्र होते हैं वो अलग अलग कार्य में सिद्ध करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के बहुत सारे इत्र होते हैं, जिस प्रकार से चंदन का इत्र हो गया, गुलाब का इत्र हो गया। किंतु ये एक चीज़ याद रहे कि इत्र हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट होगा तो वह काम नहीं करेगा। यदि आपको ओरिजिनल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे ग्रुप के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। और इत्र लगाते ही साथ आपको एक ऐसी अनुभूति महसूस होगी कि कुछ ऐसी चीज़ आ गई है आपके पास जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है, और आपकी इच्छा शक्ति भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, दृढ़ हो जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ पा लिया है या आपके साथ कोई शक्ति आ गई है। यह जो इत्र आप अभी देख रहे हैं यह मेरा मनपसंद इत्र है, और यह इत्र मैं बहुत समय से यूज़ कर रहा हूँ। जो भी कार्य मैं सिद्ध करना चाहता हूँ उसको इस इत्र के ज़रिए सिद्ध कर लेता हूँ। मेरे पास बहुत तरह के इत्र हैं और आप देख सकते हैं कि ये खाली भी हो गए, अर्थात मैंने इनको बहुत यूज़ किया है। और ये अलग अलग चीज़ों के हैं, कुछ रियल वुड्स होते हैं, लकड़ी के भी ऐसे बहुत ख़ास इत्र होते हैं जिनको आप एक बार यूज़ करेंगे पहली बार से ही आपका शुक्र तो मजबूत होगा ही होगा, साथ में आप किसी को भी अपने ध्यान में लेंगे या कोई इच्छा प्रकट करेंगे तो वो इच्छा भी आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इत्र के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, यदि कोई व्यक्ति गौर से इनको देखे या इनकी शक्ति की पराकाष्ठा को समझे तो वो अपने इत्र के ज़रिए कुछ भी हासिल कर सकता है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार से आपको
इत्र से किसी भी तरह का शुक्र अगर कोई कमज़ोर है या कोई उसमें त्रुटि है या उसके प्रभाव पूरे नहीं आ रहे तो उसको कैसे हम बलवान कर सकते हैं। और इस वीडियो में हमने बताया कि मेन जो हमारी नाभि होती है उसी में से बहुत सारी 72,000 नाड़ियों का एक गुच्छा होता है जो हमारी नाभि से जुड़ा हुआ होता है। तो यदि हम इत्र वहाँ लगाते हैं तो इससे हमारे शरीर को तो बेनिफिट होता ही है, साथ में इससे हमारे जो ग्रह हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं। आप लगातार एक महीना इत्र नहाने के बाद लगाकर देखिए, आपकी ज़िंदगी ना बदल जाए तो कहना। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इसको कोई भी कर सकता है। और आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के इत्र आपको दिखाई देंगे, ये सारे इत्र वही हैं जो वाकई में काम करते हैं। यदि आप इत्र से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, इत्र किस प्रकार से काम करता है, इत्र की पहचान क्या होती है, असली इत्र कहाँ मिलेगा, हम इत्र बना सकते हैं या नहीं बना सकते, इस तरह की कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको हमारे ग्रुप के ज़रिए मिलेगी। हमारे ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे ज्वाइन करके आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा और रिप्लाई में आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे इत्र को हासिल करना है या इसे प्रयोग करना है। ध्यान रहे, इत्र को प्रयोग करने की भी विधि होती है। सिर्फ इत्र को यूं ही लगाने से काम नहीं चलता, वह काम नहीं करेगा। वह केवल आपको कुछ समय के लिए सुगंध अवश्य दे सकता है, लेकिन किसी को आपकी तरफ खींच कर नहीं लाएगा। इत्र में इतनी शक्ति होती है, यदि इसको सही तरीके से किया जाए तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है, बशर्ते आपको इसका लगाने का तरीका पता हो और इसको कब लगाना है, किस दिन लगाना है। शुक्रवार के दिन इत्र विशेष तौर पर हर किसी को लगाना चाहिए, जैसे हमारी पहली वीडियो में था। यदि कोई व्यक्ति उस वीडियो में देखकर उस तरह से लगाता है प्लस नाभि में और जैसे बताया है वैसे लगाता है तो उसका शुक्र दुगनी स्पीड से तेज हो जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब भी कभी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तब जब आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर होता है तब आपको कह दिया जाता है कि आप एक हीरा धारण कर लीजिए। यदि आप हीरा धारण नहीं कर सकते तो एक जरकन धारण कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इत्र सही तरीके से लगाते हैं जैसे मैंने बताया है, तो हीरे से भी ज़्यादा प्रभाव आपको इत्र में देखने को मिलता है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यह सही तरीके से लगेगा तभी काम करेगा। अगर आपने सिर्फ यूं ही लगा लिया तो वो सिर्फ आपको खुशबू भर देगा, उसके अलावा आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा और वह बहुत जल्दी उड़ भी जाएगा। तो इत्र लेने से पहले आपको सावधानियां यही रखनी है कि जब भी आप इत्र लगाएं तो देखें आप लाइट कलर के कपड़े पहने। डार्क कलर के कपड़ों में इत्र का प्रयोग कभी ना करें। हमारी रिकमेंडेशन कभी भी आपको ऐसी नहीं रहेगी कि आप डार्क कलर के कपड़े पहने और उसमें इत्र लगाएं। यदि आप लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो उसमें इत्र लगाएं। और इत्र लगाने के बाद जंगलों में बिल्कुल भी ना जाएं, बाल खुले छोड़ के लड़कियां या महिलाएं ना घूमें। केवल और केवल यदि किसी को पाना चाहते हैं, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तभी इस तरह से इत्र का प्रयोग करें अथवा अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए इस तरह इत्र का प्रयोग करें। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे लगाएंगे तो फिर इसके परिणाम आपको कुछ और भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सुगंध खुशबू अट्रैक्ट करती है। तो ध्यान रहे, इत्र को जिस तरह से हमने दिखाया, यदि आप उस तरह से लगाते हैं तो जंगल में बिल्कुल भी ना जाएं और घूमने फिरने ना जाएं, सिर्फ अपने घर में रहें या आसपास घर के आसपास कहीं रहें। दूर अगर जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है अगर ये प्रयोग करते हैं तो। इस प्रयोग में खास ध्यान देने वाली बात यही है कि इत्र को जैसे दिखाया है उसी प्रकार से प्रयोग में लाना है और अपने इत्र को किसी और को ना लगाने दें। यदि आपका इत्र कोई और भी यूज़ करता है तो ये काम नहीं करेगा। आपका इत्र सिर्फ आपका है और वो आपके लिए ही काम करेगा। आपको उसको अलग रखना है, ना तो किसी को छूने दें और ना ही किसी को इस्तेमाल करने दें। और जब भी चांदनी रात होती है तो चांद की रोशनी में इत्र का ढक्कन बंद करके उसे ज़रूर रखें। एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि इत्र को हमेशा कांच की बोतल में ही लाना है। स्वतः ही कांच की बोतल में ही मिलता है, लेकिन यदि आपको ग्लास में ना मिले तो वह इत्र आपको नहीं लेना है। इत्र को ग्लास की बोतल में ही लेना है और चांदनी रात में उसको कम से कम आधा घंटा चांदनी रात में रख दीजिए, चांद की रोशनी पड़ने दीजिए। उसके बाद इत्र की पावर, इत्र की जो शक्ति है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस चीज़ को आप एक बार करके देखिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा। और इन सभी चीज़ों को
तभी इस्तेमाल करिएगा जब आपको अपने जीवन में किसी को पाना हो और उसके साथ पूरी ज़िंदगी निभानी हो। यदि गलत प्रयोग करेंगे तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, कुछ अच्छी जानकारी ज़रूर मिली होगी। और अंत में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ओम नमः शिवाय।